नमस्कार दोस्तों, रोहित इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास ये मूवी स्टार कंपनी का 10500 मॉडल रिपेयर के लिए आया है। कस्टमर बोल रहा है कि इसके स्पीकरों में आवाज़ नहीं आ रही, ना ही ट्यूटर में आवाज़ आ रही है। ये 8 इंची बेस का स्पीकर है, इसके अंदर लगे हुए दोनों में, ना ही इसके बेस में आवाज़ आ रही, ना ही इसके ट्यूटर में आवाज़ आ रही है। इसको ऑन करके एक बार चेक कर लेंगे दोस्तों कि इसमें आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। ये जो हमने मेन वाला जो इसमें लगा के चेक कर लिया, इसमें ना ही ट्रेबल आ रही है। अब ये बिल्कुल साइलेंट मोड पर है दोस्तों, ये बस ये ऑन तो हो रहा है पर इसके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, ना ही बेस की आ रही है, ना ही ट्रेबल की आ रही है। ना ही 60 इंची बेस में आवाज़, ना ही दूसरे वाले 8 इंची बेस में आवाज़, किसी में भी कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। इसके दूसरे वाले होम थिएटर के वायर को भी एक बार लगा के देख लेंगे कि दूसरे वाले में भी आवाज़ आ रही नहीं आ रही। ये इसका वायर भी हमने इसके अंदर लगा के देख लेते हैं एक बार, इसमें भी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। तो दोनों में भी आवाज़ नहीं आ रही दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे खोल के एक बार चेक कर लेंगे कि कोई हमारा पावर केबल इसका हटा हुआ तो नहीं है स्पीकर का, या कोई हमारी आईसी वगैरह शॉर्ट तो नहीं है या ख़राब तो नहीं है। ये एक बार खोल के चेक कर लेंगे, क्योंकि इस कमी में क्या होता है दोस्तों, या तो हमारा बूफर ख़राब हो जाता है या हमारी इसकी आईसी ख़राब हो जाती है। एक बार इसको हम चेक कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। देखो दोस्तों, ये हमारा इसका 20-30 आईसी का बोर्ड लगा हुआ है, जो कि बहुत ही हैवी हीट सिंक पर कसा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, पहले हमें मल्टीमीटर से इसके बूफर को चेक करेंगे कि इसका बूफर ख़राब तो नहीं है जिस कारण इसमें आवाज़ नहीं आ रही। पहले एक बार कनेक्टर को चेक कर लेते हैं, इसके सभी कनेक्टर प्रॉपर लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा बेस के कारण इसके कनेक्टर लूज़ हो जाते हैं। लूज़ होने के कारण भी यही समस्या आ जाती है कि कभी बेस बचता है कभी नहीं बचता, पर इस समय समस्या कुछ और ही है। इसके अंदर बेस बिल्कुल ही भी नहीं बज रहा, ना ही इसके अंदर ट्यूटर बज रहा है। तो कनेक्टर तो हमारे बिल्कुल प्रॉपर हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा 8 इंची बेस का स्पीकर है, इसको मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं ठीक है या ख़राब है, या इसके ओम्स कितने आ रहे हैं। तो मल्टीमीटर से पहले इसके ओम चेक कर लेंगे हम। इसके अंदर दोस्तों 6 ओम्स आ रही है देखो, तो इसका मतलब क्या, हमारा बूफर बिल्कुल ओके है। इसके जैक को हम इसी के अंदर दोबारा लगा देंगे बोर्ड के अंदर, तो हमारा बूफर तो बिल्कुल ओके है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें एक एक करके इसकी जो आईसी लगी हुई है 20-30 को, इसको एक बार टेस्ट करना होगा कि आईसी ख़राब तो नहीं है, क्योंकि आईसी कहीं से फूकी भी कहीं से दिखाई नहीं दे रही है। पैसे मल्टीमीटर से चेक करके देख लेते हैं, जो हमारा मल्टीमीटर का प्लस पॉइंट है रेड वाला, इसे हमें टाइस्टर पर कस लेंगे और दूसरे वाले ब्लैक वाले से इसकी वोल्टेज चेक करेंगे आईसी की। ये आईसी हमारी बिल्कुल प्रॉपर ओके दिखाई दे रही है इसमें दोस्तों मीटर में। इसी प्रकार दूसरी वाली आईसी को चेक करेंगे, ये लगभग 1042 1040, हाँ बिल्कुल ओके ये भी आईसी। अब ये दूसरे चैनल की एक बार चेक कर लेते हैं, कभी ये शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दूसरे चैनल की शॉर्ट होने की वजह से पहले वाले चैनल में भी दिक्कत आ जाती है, पर यहाँ तो तीसरी आईसी भी ही ठीक है दोस्तों। ये इसके बाद जो बची हुई हमारी लास्ट आईसी है, चौथी आईसी, इसको भी चेक कर लेंगे। ये आईसी भी ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब है दोस्तों, हमारी चारों आईसी ठीक हैं, इसका बूफर भी ठीक है,
पर इसमें आवाज़ फिर भी नहीं आ रही है, क्या कारण है सर? और आगे चेक करना होगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने तो आईसी भी चेक कर ली है, इसके अंदर बूफर भी चेक कर लिया है कि इसके कोई कंपोनेंट जले हुए या फूके हुए तो नहीं है जिस कारण से ये आवाज़ नहीं आ रही है। पर इसके अंदर देखो दोस्तों, ना ही कोई रेजिस्टेंस जली हुई है, ना ही कोई कैपेसिटर फूके हुए हैं, ना ही कोई पीएफ वगैरह जले हुए हैं। प्रॉपर बिल्कुल बोर्ड हमारा यहाँ से बिल्कुल ओके दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये हमारी आईसीआई भी ठीक है, हमारे कनेक्टर भी ठीक लगे हुए हैं, तो हमारा ये वाला बोर्ड तो बिल्कुल ओके है दोस्तों। इस बोर्ड में कोई कमी ना ही दिखाई दे रही है और ना ही हमने 20-30 आईसीयू को चेक भी कर लिया है, ये बिल्कुल ओके है ये। तो इसको हम कस लेते हैं एक बार। इसको अच्छी तरीके से कसने के बाद फिर आगे चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से एक बार कस लेंगे तो हमारा यहाँ से तो बिल्कुल ओके है होम थिएटर बोर्ड की साइड से। अब इसमें फ्रंट की साइड से और चेक करना होगा दोस्तों कि इसके वॉल्यूम वगैरह या मॉड्यूल कार्ड वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिस कारण आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसके हम पैनल को बहुत ही सावधानी से खोल लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये प्लास्टिक का पैनल होता है, इसे बहुत ही सावधानी से खोल लेंगे। ये हमने खोल के देख लिया इसका पैनल। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, जो इसके हमारे मेन वॉल्यूम है हम इसको चेक करेंगे ये वॉल्यूम ख़राब है या नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये वॉल्यूम के भी कारण बन जाता है जिससे आवाज़ नहीं आती है। तो मल्टीमीटर से एक बार वॉल्यूम को चेक करके देखते हैं। मल्टीमीटर का माइनस वाला पॉइंट वॉल्यूम के अर्थ पे लगा लेंगे एक बार। देखो दोस्तों, इसके अंदर प्रॉपर पूरी वोल्टेज नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी वोल्टेज ही आ रही है केवल। तो इसका मतलब है दोस्तों हमारे ये वॉल्यूम भी ख़राब शायद हो सकते हैं। तो एक बार इस वॉल्यूम को हम शॉर्ट करके देखते हैं चिमटी से कि वॉल्यूम ख़राब है या नहीं ख़राब है ये। एक बार इसको ऑन कर लेंगे हम गाना प्ले करके, एक बार इनके जो वॉल्यूम है इन्हें एक बार शॉर्ट करके देखते हैं। गाना प्ले, हमारा गाना हमने प्ले कर दिया, एक बार वॉल्यूमों को चिमटी से शॉर्ट करके देखते हैं कि ये वॉल्यूम तो ख़राब नहीं है इसके अंदर। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारा मेन वॉल्यूम है इसकी पहली पिन को और चौथी पिन को आपस में टच करके देखेंगे कि ऑडियो पास हो रही है नहीं हो रही इसके अंदर से। एक बार और दोबारा दिखाना चाहूँगा दोस्तों इसका मेन वॉल्यूम बढ़ाकर। देखो दोस्तों, इसमें तो दोस्तों इसके अंदर ये बेस और इसका जो मेन वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम में ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिससे ये आवाज़ इस होम थिएटर के अंदर नहीं निकल पा रही है। तो सबसे पहले वॉल्यूमों को ही चेंज करके देखना होगा। इस बोर्ड को हम खोल लेते हैं जिसमें हमारे बेस और वॉल्यूम के टोन लगे हुए हैं। इसे हमने खोल लिया है इसको। इसके अंदर 6 पिन के टोन लगे हुए हैं, बेस में भी और वॉल्यूम में भी। तो इस दोनों वॉल्यूम को हमको निकाल कर इन्हें चेंज करना होगा दोस्तों। तो पहले हमें इस टोनों को रिसोल्ड करके इसे निकालना होगा। इसे हम आयरन से आराम से रिसोल्ड कर लेंगे दोस्तों। ये हमने 6 पिन का वॉल्यूम निकाल लिया ये वाला।
ये हमारा वॉल्यूम देखने में तो ठीक है, पर इसके अंदर ऑडियो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है। इसी तरीके से बेस वाला वॉल्यूम को भी निकाल लेंगे हम, क्योंकि इसके अंदर बेस भी नहीं आ रहा है। थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा दोस्तों, सोल्डिंग जब आप रिसोल्ड करते हो उसको, तो थोड़ा अच्छी तरीके से पेस्ट लगाकर इसे आराम से निकालें, क्योंकि इसके जो प्रिंट होते हैं ना दोस्तों, बहुत ही कमज़ोर होते हैं। अगर आपने ज़्यादा आयरन हीट करके इस पर लगाया तो ये उसके प्रिंट ख़राब हो जाएंगे, तो उसे निकालने के लिए बहुत ही सावधानी से कार्य करें। इस पर अच्छे तरीके से पेस्ट निकाल लगाकर आराम से निकालने से दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो बड़ी भली है, लेकिन इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ चेक करके हमें इसके फॉल्ट के बारे में ही जब ही पता चल पाएगा कि इसके अंदर फॉल्ट क्या क्या होते हैं। ये दोनों वॉल्यूम हमने निकाल लिए हैं, इनके प्रिंटों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। ये प्रिंट हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, जिससे कि हमें दूसरा वॉल्यूम लगाने में दिक्कत ना हो। ये प्रिंट हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए, इसके बाद इसके अंदर हम दूसरे वॉल्यूमों को लगा देंगे। अब इस पर अच्छे तरीके से हम सोल्डिंग कर देते हैं पेस्ट लगाकर। पेस्ट जरूर लगा देना दोस्तों, क्योंकि पेस्ट नहीं लगेगा तो ढंग से सोल्डिंग नहीं होने की है। इन वॉल्यूम पर अच्छे तरीके से शोल्डर कर देंगे। ये हमारा चौथा पिन इसका ऑडियो का हो गया, पहला पिन ऑडियो का, दूसरा तीसरा हमारा ग्राउंड का, और ये पांच और छठा हमारा इसका प्री पॉइंट हो गया ऑडियो आउट। इन अच्छे तरीके से हमें सोल्डिंग करना है। तो दोस्तों हमने मेन वॉल्यूम के तो कनेक्शन कर दिए हैं, अब दूसरे वाले वॉल्यूम के भी लगा देंगे। ये हमने बेस वाला वॉल्यूम भी लगा दिया है, इसे भी अच्छे तरीके से सोल्ड कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो को बड़ा बनाने का मकसद हमारा ये है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि आईसी ठीक होने के बावजूद भी कि और क्या कमी होती है जिससे होम थिएटर के अंदर आवाज़ नहीं आती है। क्योंकि ये कमी ज़्यादातर होम थिएटर में देखी जाती है कि हमारी आईसी ठीक होने के बावजूद भी हमारा होम थिएटर आवाज़ नहीं दे पाता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का होम थिएटर हो। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, जब भी कभी होम थिएटर आए तो सबसे पहले उसके जो इसके अंदर आईसी लगी होती है 20-30 या 20-50, उसको चेक करना होता है। उसके बाद इसका जो हमारे मेन वॉल्यूम होते हैं उन्हें चेक करना होता है, जब भी पता चल पाएगा कि प्रॉपर कमी क्या है। ऐसा नहीं है कि कभी आपके पास होम थिएटर कोई आया और आपने सीधा वॉल्यूम ही चेंज कर दिए हैं और आपने आईसी चेक नहीं करी है। तो एक बार टेस्ट कर लेंगे दोस्तों, एक बार इसको हम बजा के देखेंगे कि अब अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये इसके हमने पावर को एक बार ऑन कर लिया है, ब्लूटूथ से हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं और एक बार इसको चेक करते हैं कि हमारे मेन वॉल्यूम काम कर रहे हैं या नहीं। Thank you.
तो इसका मतलब है दोस्तों हमारे केवल दो ही वॉल्यूम खराब थे, एक बेस का और एक वॉल्यूम का बस। तो इसको मैं तो अच्छे तरीके से कस लेंगे दोस्तों। अभी हमारा प्रॉपर ठीक तरीके से काम कर रहा है ये होम थिएटर, अब जिस तरीके से हमने खोला था हमें अच्छे तरीके से कस लेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार दोस्तों ये हमारा होम थिएटर अच्छी तरीके से ठीक हो चुका है। तो एक बार इस बार दोस्तों हम एक बार दोनों को लगा के एक बार दोबारा चेक कर लेंगे कि हमारा ठीक तरीके से दोनों प्रॉपर ओके बज रहे हैं नहीं बज रहे हैं। इसके पैनल को अच्छे तरीके से और दोनों होम थिएटर को एक साथ लगा के एक बार दोबारा टेस्ट करेंगे। दोनों को एक बार दोबारा टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों हम। तो पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ हो।